बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने मथुरा के ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे श्रौत यज्ञ, उन यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा की, उनके आतिथ्य को भगवान ने स्वीकार किया, उनके नैवेद्य को भगवान ने स्वीकार किया और उन्हें प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति प्रदान की। भगवान अहंकार दूर कर दें, ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। भगवान ने इंद्र के अहंकार को दूर करके इंद्र पर कृपा की। इंद्र को अहंकार हो गया था कि मैं ही सबका कर्ता धर्ता मालिक मैं ही हूँ। भगवान ने कहा भाई मालिक नहीं हो तुम, तो हमारे जलकल विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी हो, हाँ तुम मालिक कहाँ हो, जल तुमने थोड़ी बनाया। भगवान ने गोवर्धन पूजन करा के इंद्र के मान का मर्दन कराया। गिरिराज जी का ब्रजवासियों ने भगवान की आज्ञा से पूजन किया और भगवान एक रूप से गिरिराज जी के ऊपर प्रकट हो गए। ब्रजवासी बोले भैया कैसो दयालु देवता गिरिराज, या के पहली बार पूजन करवे को अवसर मिले हो हमें और पहली बार रीझ के याने अपने मंगलमय स्वरूप के दर्शन कराए हैं और बूढ़े है गए इंद्र को यज्ञ करते करते, अब तक इंद्र दिखो ही ना है। इंद्र बालक है कि बूढ़ो, कारो है कि गोरो, कैसो है इंद्र? और या के तो आज पहली बार पूजन कियो या ने दर्शन दे दिए, बड़ो ही दयालु देवता है। एक रूप से भगवान पूज रहे हैं, एक रूप से भगवान पूजा रहे हैं। जैसे ही भगवान के सामने नैवेद्य धराया गया, छप्पन भोग धराए गए, तुलसी दल जैसे ही पधराया भगवान विराट हो गए गिरिराज जी, हजारों मुख हजारों भुजाएं प्रकट हो गई और महाराज डला के डला भर के लड़ुआ एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः, बड़े बड़े कड़ाही कढ़ी की कड़ाही भर भर के भगवान उठा के पी जाते, खीर उठा के पी जाते, रबड़ी उठा के पी जाते। ब्रजवासी बोले भैया देवता तो बड़ो दयालु पर बड़े दिनान को भूखो है, सवरे को खाए जाएगा, हमारे ताई कछु छोड़ेगा कि नहीं? भगवान बोले ऐसी ऐसा आरोप मत लगाओ, ये परिपूर्ण परमात्मा है, सब कुछ ग्रहण कर लें तो भी इनके प्रसाद में कमी पड़ती। गिरिराज जी का प्रसाद अनंत गुणित तो हो जाता है। सबने देखा महाराज गिरिराज जी ने जितना पाया था उससे कई गुना नैवेद्य सामने प्रकट है। लूट लूट के ब्रजवासियों ने और गिरिराज जी का अधरामृत ग्रहण किया है और ब्रजवासियों ने प्रेम से गिरिराज जी की परिक्रमा दी है। गिरिराज जी का बड़ा दिव्य महोत्सव हुआ। ये सृष्टि का सबसे पहला भगवान के द्वारा कराया गया उस युग का भगवान के द्वारा कराया गया पहला सुरभि यज्ञ था, गो यज्ञ था, जिसको कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से नौमी तक भगवान ने कराया, जिसको गो नवरात्रि कहते हैं। तो जब उसके पहले यज्ञ के आरंभ में गिरिराज जी का पूजन किया, इंद्र ने क्रोध किया, पानी बरसा, तो 7 दिन 7 रात तक ठाकुर जी गिरिराज जी धारण किए, तो 1 सप्ताह तो वो हो गया प्रतिपदा से सप्तमी। फिर आई गोपाष्टमी, तो गोपाष्टमी गो पूजन करके गिरिराज जी की परिक्रमा और अक्षय नवमी को यज्ञ की पूर्णा होती, यज्ञ की पूर्णा। इस तरह से ये गो नवरात्रि महोत्सव और सुरभि यज्ञ प्रकट हुआ। विष्णु पुराण में भी इसका उल्लेख है, अन्य पुराणों में भी वर्णन है। एक पुस्तक है आचार्य जी, इसका नाम है गिरियागह। क्या नाम है? संस्कृत का ग्रंथ है जिसका नाम है गिरियागह। उसमें गिरिराज जी के यज्ञ का ये गो यज्ञ है इसका वर्णन है और ये लिखने वाले वल्लभ कुल के आचार्य चरण हैं, बनारस के पीठ के आचार्य चरण, उन्होंने उसको लिखा है, बहुत विद्वत भोग्य शैली में लिखा है, संस्कृत ग्रंथ है, पढ़ने योग्य है। गिरियागह बहुत शोधपूर्ण लिखा हुआ। तो ये भगवान गिरिराज जी का यज्ञ हुआ।